7 अप्रैल को लापता हुए बच्चे का शव गांव में ही एक पानी के कुंडे से मिलने से मची सनसनी। शव की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला पहुंचे मौके पर। नुहू जिले के आलदोका गांव में 7 अप्रैल को नरेश कुमार के 4 वर्षीय पुत्र वरुण का अपहरण हो जाता है, जिसकी सूचना नुहू सदर थाने में दी जाती है, जिसके बाद अपहरण का मामला दर्ज कर लिया जाता है तथा पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी जाँच तेज कर देती है। नुहू पुलिस द्वारा गाँव के घर घर की तलाशी ली जाती है तथा गाँव के चारों तरफ पुलिस तैनात कर दी जाती है, ताकि कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर ना जा सके। हर आने जाने वाले व्यक्ति की भी तलाशी ली जाती है तथा गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो गांव में संपूर्ण तरीके से सनसनी फैल जाती है। अपहरण किया हुआ बच्चा गांव के ही एक पानी के कुंडे में मृत अवस्था में मिलता है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और पुलिस भी भारी दलबल के साथ वहां मौजूद होती है। बच्चे का शव को पानी के कुंडे से निकाला जाता है और शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा कि हमें बच्चे के अपहरण की सूचना मिली थी, जिसके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया था। इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा था। पूरे गांव में नाकेबंदी कर हर घर की तलाशी भी ली गई। जैसे ही आज सुबह हमें सूचना मिली कि मौके से बच्चे का शव को निकाला जाता है और पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है, अलग अलग पहलुओं से जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जल्दी ही इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा और आरोपी को भी जल्द बेनकाब किया जाएगा। आपको बता दें कि नरेश कुमार की शादी 7 साल पहले हुई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। वो अपने पीछे एक बच्चे वरुण को छोड़ जाती है। मृतक वरुण के पिता दोबारा 2 माह पहले शादी कर लेते हैं। जिनसे उसकी शादी होती है वे उनकी मौसी लगती है, लेकिन सगी नहीं होती। जब हमने गांव में जाकर मृतक वरुण की सोतोली माँ से बात करनी चाही तो परिवार वालों ने बात कराने से मना कर दिया और बहाना बनाने लगे। गांव के लोगों से जब इस पूरे मामले से बातचीत की गई तो गांव वालों ने बताया कि इस परिवार का या इस बच्चे का कोई किसी से झगड़ा नहीं था। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी जल्दी इस गुत्थी को सुलझा पाती है और आरोपी के गिरेबान तक नुहू जिले की पुलिस कब तक पहुंच पाती है और कब तक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार होते हैं। देखिए, एक बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें एक बच्चा जो कि 4 वर्षीय था, 7 तारीख को उसको शाम के समय करीब वो खेलते खेलते गांव उसमें जो है परिवार वालों को नहीं मिला, जो उसके बाद तुरंत प्रभाव से जब वो पुलिस के पास आए, पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज करके और तहकीकात शुरू की और पूरे दमखम के साथ पुलिस ने चप्पे चप्पे की छानबीन करी। गांव के अंदर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और उसी बीच में, सर्च ऑपरेशन के बीच में आज सुबह ये इंटीमेशन मिली कि एक करीब 10 फुट की एक कुई होती है, उसके अंदर से जो पानी स्टोर करने के लिए हर घर में बनी हुई है, उसमें से एक के अंदर एक फ्रेश बॉडी मिली है। तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद बीती रात में ही बच्चे का मर्डर हुआ है। बाकी इस संबंध में हमारी टीमें लगी हुई हैं और गहनता से इसकी जांच जारी है। जल्द ही हम इसके बच्चे के कातिल तक पहुंचेंगे और इस मुकदमे की जो गुत्थी है उसको सुलझाएंगे। सर, देखा गया है कि जैसे कि आपने बताया कि रात के पूरे रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, हर घर में जांच की गई है और जो भी आरोपी है वो भाग नहीं पाया, इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। क्या नज़र इसकी? देखिए, ये तो प्रथम दृष्टया दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी जब ये आरोपी तो हम पकड़ लेंगे, उसके बाद सच्चाई का निकलेगा पता कि किस प्रकार से ये पूरा प्रक्रम जो है वो किया गया है। तो अभी प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो आगे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पे आपको विस्तार से बता पाएंगे। मेरा नाम तो विजय है जी। विजय जी, आपके जो नवासा है उसकी आज आपको सूचना मिली होगी कि वो मृत पाया गया है, क्या था पूरा मामला, क्या कहना चाहोगे? मैं तो जी ये तो परमात्मा ही पता है, ये तो मेरे को तो मालूम नहीं है। मैं तो आया, मेरे को तो बाप फ़ोन पे भी नहीं पता। मेरी तो और 2 बेटी इधर में भी थी, उसकी उनने अपनी मम्मी पे फ़ोन किया, वो मेरे घर गई है, उनकी ऐसे से बात मैंने की। आज दोपहर ही बात हुई मेरी बेटी थे, दोनों बेटी ने बात करी है मैंने तो अपनी इनते, तो वे खेत में चली गई, लोहरी लाली हमारी यहाँ पे ही, वो बर्फ दे के गई है, उसकी दादी है जो लड़का है वो, उससे फिर मिला नहीं है जी यहाँ पे। इतनी मतलब ये तो वैसे भी घबरा रहा हूँ, वो पे स्थल पर है ना जी, हम तो रिश्तेदार आदमी, हम क्या कर सकते हैं। आपकी दूसरी बेटी थी ये? मेरी बेटी है जी। अच्छा, आपकी दूसरी बेटी? हाँ। कितने साल पहले शादी हुई? कौन सी की जी?
पहली वाली की दूसरी बच्चे की मौत वे तो 17 में हुई है, दो लाल इनकी तो पहले जी। अच्छा 2017 में कही है, फिर ये लाल ये जो ये 1.5-2 महीना है गए जी, 2 महीना है गए होंगे। दूसरी लड़की हाँ ये भी मेरी लड़की है। क्या नाम है जी आपका? यादराम जी। यादराम जी आपका पोता था, कितने तारीख को गुम हुआ था? 7 तारीख को जी लगभग 4 बजे। उसके बाद हमने पुलिस में रिपोर्ट कराई वाला करना कोई 10:30 बजे। वहाँ के बाद पुलिस ने मौके पर आकर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। आज वो बच्चा 6:30 बजे हमें मृत घोषित मिलो। कहाँ पर मिला था? वो सतवीर के बूस्टर पे। पर्सनल था किसी का? हाँ जी पर्सनल जी। तो क्या आशंका जताई जा रही, क्या मान रहे? आशंका हमारी किसी पे कोई नहीं है जी। ठीक है, यो तो ऊपर वाले पता या वो करने वाले पता। विनोद कुमार जी। विनोद जी आपके पड़ोस में एक दुर्घटना घटी है जी। जी आपका पूरा मामला क्या है? मामला ये था जी, शाम को हमें पता लगा था 7:45 बजे करीब, जब बच्चे ने बता आवाज़ लगाई कि बल पापा ऐसे ऐसे उसका जो वरुण है वो कहीं गुम हो गया है और मिल नहीं रहा है, क्योंकि उनके जो दादी हैं उनके जो चाचा हैं वो लाम निकल के खेत पर आए थे शाम को, तो उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया तो कहीं भी नहीं मिला, तो फिर हमने भी ढूंढने में उनकी हेल्प की, तो लगभग हमें ढूंढ ढूंढते 9 बज गई। हमने सभी पानी के बूस्टर इधर उधर सारे जो प्लॉट वगैरह हैं घरों में इधर उधर सभी जगह देख लिया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि ये बच्चा इधर नहीं है, फिर हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, तो 112 नंबर पर कॉल की। उन्होंने कहा कि ये भी एक बार उसका फ़ोटो लेके FIR दर्ज कराइए थाने में, तो वहाँ पर गए तो SI साहब सत्यनारायण जी हैं, उन्होंने पूरी हेल्प की हमारे साथ में, और कई जगह जैसे वहाँ पर उस दिन वो तसले वगैरह बेचने वाले आए थे उनके सब था मैं पहले, तो उनके वहाँ जो झुग्गी झोपड़ी उन पर रेड मारी थी। उसके बाद फिर घर आए तो यहाँ उन्होंने तस्दीक की पूरा देखा, तो ये मामला था जी। उसके बाद फिर सारे CCTV फुटेज वगैरह देखे, तो अब आज यहाँ पर सुबह जब उठे तो पता लगा, और ये वाकई इसलिए कार के हुआ क्या हुआ कि रात को पुलिस ने पूरा गांव सील कर दिया था जी, हरना के सील कर दिए थे, तो कहीं से भी ना कोई आदमी बाहर गया था, ना अंदर से कोई बाहर गया था, ना बाहर से कोई भीतर आया था, तो तब ये सुबह किसने काम किया, ये बच्चा गांव में ही था या अंदर ही कहीं ना कहीं किसी घर में था। पुलिस वालों ने CIA वालों ने हर घर को चेक किया था जी, आसपास घरों में संदूक नाच की टंकी सब कुछ चेक की थी। कल ये कुंडा देखा था किसी ने? कुंडा तो हमने कम से कम कोई 10 बार देख लिया जी, ये हाँ जब से हुआ है कुंडा सभी कुंडे देख लिए थे जी, हर अपने घर का सब कुछ। जैसे हमें बच्चा मिला है बताया जा रहा है कि जैसे एक होता है मरने के बाद कई दिन हो जाते हैं बच्चे को डालने, जी जी अभी ताजा हाँ ताजा है जी। बच्चे का ना तो पेट फूला हुआ था, जैसे पानी पी जाता है वो लग रहा है कि जैसे कि मार के डाला गया है, बच्चे ने पानी नहीं पिया है, और उसकी जो चमड़ी है उसे लग रहा है कि लगभग 1.5-2 घंटे पहले ही वो उसमें डाला गया है, खराब नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले इस चीज़ की सूचना किसे मिली? जो पानी का जिनका चैम्बर है वो उन्होंने दूध निकालने के लिए उसमें से बाल्टी से पानी ले रहा था वो, तो उन्होंने उससे जब हटाया बाल्टी डाली तो उसमें उसको डेड बॉडी नजर आई, तो उन्होंने फिर आवाज़ लगाई तो फिर वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है। सतवीर उनका नाम जी। जी उन्होंने किसको सूचना? उन्होंने सूचना जी शायद आवाज़ लगाई तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, उसकी लड़की उसने आवाज़ मारी जब जी जी, तो वहाँ सारी बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, तो जब मैं वहाँ पहुँचा था तो वहाँ तो सारा रास्ता भरा हुआ था, भीड़ बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पर।